कई लोग ऐसे कथन पढ़ के अपने पुत्र आदि से बच्चे आदि से द्वेष करने लगते हैं कि शास्त्र में हम पढ़ के आए हैं ये सब स्वार्थ के साधी हैं, इनसे हमें कोई बात नहीं करनी और उनसे कसाय कर ले। तो ऐसा उपदेश नहीं था, ये तरीका नहीं था। अरे भाई तू द्वेष क्यों करता है? जैन धर्म में राग भी उतना ही बुरा है तो द्वेष भी उतना ही बुरा है, समझ में आया? अभी दोनों ही बराबर से बुरे हैं तो दोनों ही छोड़ने योग्य है। तो साहब वो शास्त्र में पढ़ के आए भाई, वो तो इसलिए समझाया कि तू उनमें अति आसक्ति भाव से लगा रहता है और स्वाध्याय आदि में नहीं बैठता, प्रवचन आदि नहीं सुनता, तत्व विचार आदि में उपयोग नहीं लगाता, रात दिन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में लगा रहता, इसलिए आचार्यों ने इस शैली में तुझे उपदेश दिया कि अरे अज्ञानता में तू किनके पीछे पड़ा है, वे तेरे सुख दुख के साथी नहीं है। देखो भाई हम ये सब व्यवहार से ही तो बोलते हैं कि जे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सुख दुख के साथी, काय के सुख दुख के साथी, कौन सा दुखर लेते अपना, क्या दुखर लेते बताओ, क्या है क्या दुखर लेंगे? अगर मेरे पेट में दर्द होगा मेरी पत्नी क्या कर लेगी, मुझे भी मुझे कोई बीमारी होगी मेरी पत्नी बच्चे क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, उठा के अस्पताल में धर देंगे भाई तुम कर? तो मेरे सुख दुख का साथी तो डॉक्टर हुआ, डॉक्टर ही देखेगा मेरे को, नहीं समझ में आए? फिर और फिर देखो कई महिलाएं तो 24 घंटे अपने परिवार के बारे में सोचती है, ऐसा लगता है कि और सोचने के लिए कुछ बचे ही नहीं, समझ में आया? कई पुरुष भी इस प्रकृति के होते हैं, रात और दिन व्यापार धंधा मकान दुकान पत्नी इन्हीं के बारे में जैसे तेरे सोचने से वहाँ कुछ हो जाए, ऐसे स्त्रियाँ पत्नियाँ स्वाध्याय वगैरह में उपयोग नहीं लगाना, पढ़ना लिखना नहीं, बस रात और दिन ये घर गृहस्थी के चूल्हे चौके और इसकी बुराई उसकी भलाई, इसकी भलाई इसकी बुराई, इसी में उपयोग लगाते। और स्वाध्याय आदि की बात करो तो कहते हमें आत्मा की रुचि तो है लेकिन हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसे तीन काल में संभव है कि आत्मा की रुचि और स्वाध्याय में मन नहीं लगे, क्यों संभव है? साहब हमें रसगुल्ले की रुचि तो है लेकिन सामने रखा रहता मैं खाने का मन नहीं करता, इसका मतलब क्या है? रुचि नहीं है। ये तो सब अपने को ठगने की विद्या है। तो वो समझा रहे कि भाई हम तेरे को ऐसे बता रहे व्यवहार से, लेकिन द्वेष नहीं करना, वो राग तोड़ना, राग तोड़ने द्वेष करना नहीं होता, राग तोड़ने कर तो लोगों ने ये भी निकाल रखा कि द्वेष करना, कह रहे हमें इंजीनियर साहब से राग नहीं करना तो इंजीनियर साहब बुरे हैं, यार थोड़ी हुआ, राग नहीं करना माने जो उनमें इष्ट बुद्धि है वो छोड़ो, लेकिन इसका मतलब उनमें अनिष्ट बुद्धि करो ये अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा उपदेश देते हैं कि तू कहीं तो निकल, कैसे भी तो निकल। वे उदाहरण देते ना वाल्मीकि वाला कि वो डाकू है वो, फिर वो उसे लूटता है तो वो कहता रुक जा तू मुझे लूट ले कोई बात नहीं, तू किसके लिए पाप करता है? तो बोले मेरे पत्नी बच्चों के लिए, तो बोले एक बार देख तो वो तेरे लिए क्या कर सकते हैं, सुनी ना वो कहानी कि क्या करना कि जाके मर जाना, कि फिर देखते क्या होता है कि महाराज क्या कह रहे हैं, हमारे हमारा बेटा जान दे देगा, हमारी पत्नी हमारे लिए जान दे देगी, हमारा भाई हमारे लिए जान दे देगा, हमारे पिता ही कह रहे चल तो सही, हो गया वो जाके मरने का ड्रामा किया, आया वो साधु बोले तुम्हारा बेटा मर गया, सब रो रहे बेचारे कि अरे यही तो कमाता था यही तो लाता था। बोले अभी एक उपाय है मेरे पास, ये क्या उपाय है कि तुम में से एक आदमी जान दे दो ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा पत्नी से कि तू दे दे, कह रहे अब जी जी मर गए सो मर गए हम क्या करें, मुझे तो बाल बच्चे पाल ले, बच्चों से पूछा सब छोड़ो बूढ़े माँ बाप से पूछा, बोले हम भी नहीं मरेंगे, अब जी मर गए सो मर गए कौन देता है, फिर उससे कहा उठ जा, तो वो ही बाद में वाल्मीकि बना, वो ही रामायण वाली कहानी, समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे भी उपदेश है कि भाई निकले तो कम से कम कैसे भी करके, तो फंसा पड़ा हुआ है तो ये भी एक चरणानियोग की शैली है, तरीका है, लेकिन वो व्यवहार से है। वास्तविक ऐसा ही तरीके अपना के तुम साधु बन जाओ कोई काम का नहीं है। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूट कर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिक से इस लोक में दारिद्र कष्ट दूर होते। लो क्यों
एक हाथ दोगे तो 10 हाथ देगा, है नहीं, 1 रुपया दोगे तो 10 रुपया देंगे राम। ऐसे उपदेश हैं जैन शास्त्रों में भी, ये जो बोलते रहते हैं ये वहीं से पढ़ पढ़ के बोलते हैं, समझ में आया। लेकिन जो ठगी की विद्या, ये तो वहाँ बहुत निर्मल भाव से दिए गए के उपदेश, वो तो उससे छल ग्रहण करके तुम्हारी जेब से पैसा खींचना चाहता है, समझ में आया। वर्तमान में तो जो पैसा दे मांग रहा है उसे तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, समझ में आया। और जो दे रहा है उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो मान प्रतिष्ठा के लिए देता है, और ये अपना संकुल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, कौन ये पंडित, कौन ये पंडित, इसको संकुल की चिंता है। अरे इसको अपने 51,000 के लिफाफे की चिंता है। वो कहता तुम हमारा 51,000 का लिफाफा दो, हम समाज को चने के पेड़ पर चढ़ाएंगे, सब तुम्हारा 10 लाख इकट्ठा करा देंगे, तो हमें तो 51,000 दे दो, हम चलेंगे। तो तुम्हारा क्या हो रहा तुम जानो, तुम्हारा देखा ना तुमने, जिन पर जो पंडित जो महाराज पैसा इकट्ठा करा दें, वो मंदिर उन पंडितों की उन महाराजों की डिमांड समाज में बहुत बढ़ जाती है, जगह जगह की समाज बुलाती है। और जो पैसा इकट्ठे नहीं करावे, तत्व की बात सुनावे, उन्हें कोई बुलाने को तैयार नहीं होता, समझ में आएगी नहीं आया है। अभी हमारे कई विद्वान इतने बिजी हैं कि उनके पूरे 365 दिन बिजी हैं, समझ में आया, इतना तत्व का प्रचार प्रसार चल रहा, समझ में आया कि नहीं आया है। एकदम कोई यहाँ बुला रहा, कोई वहाँ बुला रहा, कोई यहाँ बुला रहा, टाइम नहीं है, हाँ समझ में आया है। और एक बार हम जहाँ चले जाए वहाँ द्वारा कहते हैं इनको बुलाना मत, कि क्यों कि भाई साहब ये तो तत्व तत्व की बात करते और पोल और खोल देते, हमारी जो हमारी व्यवस्था चल रही थी वो और खतरे में जाती है। तो ये जगत में धर्म से लेना देना कितने जीवों को है, ये तो बहुत कम लोगों को धर्म की रुचि होती है। इसलिए अपने को ये निर्णय करना कि अपन को तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, सब तरह की शैली उसमें दी गई है शास्त्रों में, इस प्रकार और भी लगा लेना, ठीक है ना। पुत्र धनादिक की प्राप्ति तक बता दे देंगे, पुत्र मिल जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब व्यवहार के स्थूल कथन है। जो बहुत पापी जीव हैं उनको यहाँ लगाने के लिए, बुलाने के लिए ऐसे सब कथन करते हैं, इस प्रकार निरूपण द्वारा। अब जैसे अपने होते हैं ना, बच्चे को मंदिर लाना है और बच्चा मंदिर नहीं आ, बेटू बहुत बढ़िया आज कार्यक्रम होगा मंदिर में, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया नाटक होने वाला है, बहुत बढ़िया, ऐसे लाते कि नहीं, क्या करेंगे, क्यों ऐसा लालच नहीं देंगे, तो आने को नहीं चाहते, ऐसे ही सब तरह के जीव होते। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना।